हेलो बच्चों, आज हम लोग नामनक्लेचर में देखेंगे, आईयूपीएससी नामनक्लेचर में, जहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर डबल या फिर ट्रिपल वन प्रेजेंट हो, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। ये है एग्जांपल, देखो CH3CH, डबल वन CH और डबल वन CH3। तो देखो क्या करेंगे, नंबरिंग करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो लोवेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, हो गया ये। तो यहां पे देखो ये क्या है, 4 कार्बन का चेन है, तो यहां पे रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ओके। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखो कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड का पोजीशन, और यहाँ पे सफिक्स क्या है, इन है, सफिक्स क्या है, इन है, ये हो गया। दूसरा नाम इसका आप लोग चाहो तो लिख सकते हो ब्यूटीन, ब्यूटीन टू भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों नाम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ओके। अगला देखो जैसे ये वाला नामनक्लेचर है, हम लोग देखते हैं CH3 CH2 और CH3, और ये है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया है, हाँ, डबल बॉन्ड CH3 CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड C होगा, इससे कनेक्ट होगा CH3, इससे कनेक्ट होगा CH3, फिर CH2 और फिर CH3 होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2 पे आएगा, और यहाँ से नंबरिंग अगर करोगे तो 3 से आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब देखो 3 पोजीशन पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है या फिर प्रीफिक्स होगा। तो इसका नाम करेंगे कैसे, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स। उसके बाद से रूट वर्ड क्या होगा, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, ठीक है, 2 पे, और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है, इन होता है, ये हो गया पूरा नाम। तो पूरा नाम हो जाएगा 3-methyl-pent-2-ene हो जाएगा इसका नाम, ओके। अब देखो अगला नाम इसी में है हम लोगों का, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे नाम है, ये है हम लोगों का, इसको देखते हैं, एग्जाम्पल 10 है, CH3 CH2 CH2 C111 C और CH3 हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग हम 2 कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अब देखो यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहा है तो ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से नंबरिंग कर रहा है तो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन वाला सही होगा और हाईएस्ट पोजीशन वाला गलत हो जाएगा, ये हो गया ये। अब देखो नाम इसका कैसे करेंगे, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट लिखेंगे, पेंट, पोजीशन इसका इंडिकेट करेंगे
सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेन टू, और इसका सफिक्स क्या होगा, आइन होगा, आइन। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। ओके, अब देखो ये अगला एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का, एग्जाम्पल 11। ये है CH3 और ये है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड O। अब देखो ये किसका इंडिकेशन है, ये है कीटोन ग्रुप। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन। ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे नाम कैसे करेंगे, नंबरिंग 1, 2 और ये हो गया 3 पोजीशन। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा ये 3 कार्बन का चेन है तो क्या होगा, प्रोप हो जाएगा, प्रोप। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से एल्केन चेन है। ये क्या है, एल्केन चेन है, क्योंकि कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो AN क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। अब देखो कीटोन ग्रुप का पोजीशन क्या है, 2 है। कीटोन ग्रुप का पोजीशन क्या है, 2 है, और कीटोन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, ONE होता है। तो ये हो गया पूरा नाम इसका, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओन, या फिर पूरा अगर बोल सकते हो तो प्रोपेनोन 2 बोल सकते हो। दूसरा नाम चाहो तो बोल सकते हो प्रोपेनोन प्रोपेनोन 2 भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट होगा, कोई गलत नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, देखो एग्जाम्पल नंबर 12 हो जाएगा हम लोगों का, एग्जाम्पल 12 देखो कैसे करेंगे। यहां पे है CH2, इससे कनेक्टेड है Cl, और फिर है CH2, फिर है CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O, और फिर है CH3। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यही आपको मेन समझना है। एक है नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं ऊपर, 1, 2, 3, 4 और 5। एक नंबरिंग यहाँ से लिख देते हैं इसके नीचे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बताओ जो फंक्शनल ग्रुप है किसमें लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, नीचे जो नंबर लिखा गया उस पे के ऊपर, तो नीचे वाले पे क्या है, लोएस्ट पोजीशन है, तो लोएस्ट पोजीशन वाला क्या होगा, सही होगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका नाम देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है या फिर प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका 5 क्लोरो। हो गया 5 क्लोरो, कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन था, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो AN लगा देंगे। ठीक है, AN, और यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, उसका पोजीशन इंडिकेट करेंगे और कीटोन का सफिक्स लिख देंगे, ये हो जाएगा ONE। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। ओके, ये है इसका पूरा नाम। अब अगला देखो, इसमें अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का, एग्जाम्पल नंबर 13 है CH3, CH2 और OH है यहीं पे, OH यहाँ पे है, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप को ऐड किया हुआ है। देखो अब नंबरिंग करेंगे तो हमें पता है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिलेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, 2 और ये हो गया 3। ये क्या है, एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग इसका हो जाएगा 2-methyl
टू मेथाइल, तीन कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा प्रो प्रो, और ये क्या है पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो एल लगा देंगे और एल ओएल क्या करेंगे इसमें सफिक्स को ऐड कर देंगे। पोजीशन इसका क्या है, वन है, तो पोजीशन लिख देंगे इसका। ओके अब देखो सेम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 में देखो कैसे किया है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके का, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखो कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, इसीलिए नाम लिखा गया थ्री मिथाइल, और ये चार कार्बन का चेन है तो ब्यूट लगाया गया है, और पूरे चेन में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन के बीच में, तो एन लगा दिया गया है। और ये देखो ये क्या है फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, इसीलिए वन एल लगा दिया गया, ठीक है ओएल लगा दिया गया, समझ गए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15 देखो आप, देखो हम लोग इसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 होगा, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो गया CH3, CH3, CH, CH3, ठीक है, और ये है CH2, CH2, CH, C2S5, CH2 और OH हो जाएगा। ओके ये है दिया हुआ एग्जाम्पल, देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, देखो नीचे वाले फिगर में कैसे नंबरिंग किया है और ऊपर वाले में। यहाँ पे राउंड क्यों लिखा है, यहाँ पे अगर नंबरिंग कर रहा है तो ये थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है हमें, ठीक है थर्ड पोजीशन पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे अगर नंबरिंग कर रहा है तो कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये वाला इसीलिए क्या हो रहा है सही हो रहा है। तो नंबरिंग हम लोग इसका कर लेंगे वन, नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव हो जाएगा। ओके अब देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों को हम लोग पोजीशन के साथ लिखेंगे। ये हो जाएगा टू एथाइल और उसके पास से फोर मेथाइल, ठीक है फोर मेथाइल और उसके बाद देखो कितना पर कार्बन चेन है इसमें, पांच का है, इसके लिए लिख देंगे पेंट और एन लगा देंगे, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा ओ एल हो जाएगा। ओके ये हो गया इसका नाम, समझ गए कैसे हम लोग इसका नाम निर्देशक कर रहे हैं। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है ये 16, एग्जाम्पल 16 है CH3, CH2 और उसके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी चेन में जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया वन टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। ओके अब देखो कैसे इसका नामनक्लेचर करेंगे, चार कार्बन का चेन है तो ब्यूट हो जाएगा ब्यूट, और देखो इसके लिए एल हम लोग लगा देंगे, एल क्यों लगा रहे हैं क्योंकि कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसके बाद से इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा, क्या होगा ओइक एसिड होगा, तो ये हो गया पूरा नाम, पूरा नाम क्या होगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, पूरा नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। चाहो तो आप पोजीशन भी यहाँ पे लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड वन, ओके वन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ओके ये तो हो गया यूपीएससी नामनक्लेचर,
अब देखो राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम आईयूपीएससी ने, अगर कहीं आईयूपीएससी नाम दिया हुआ है, अगर आईयूपीएससी नाम दिया हुआ है तो उससे फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे? तो देखो इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू अ रूट वर्ड। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, जो रूट वर्ड होगा या फिर जिसमें रूट वर्ड हम लोग देख लेंगे और उसका क्या करेंगे, उसको कार्बन स्केलेटल के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मान लो रूट वर्ड 5 हो गया तो उसके लिए 5 कार्बन का एक स्केलेटल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद से अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द एंड वेयर द डबल या ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप गेट स्मॉलेस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप है नाम में तो क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट पोजिशन होगा या फिर जहां से जहां फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करेंगे उसको क्या करेंगे, लोएस्ट पोजीशन पे देंगे अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर। उसके बाद से सफिक्स ऐड कर लेंगे और फिर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, हमारा एग्जांपल है 2 ब्रोमो 4 मेथाइल ओके, और पेंट 2 और एन हो जाएगा, ओके देख लो। अब तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन स्केलेटल बना देंगे। कितने का है, ये रूट वर्ड है तो 5 का है, तो 5 का एक बना लेंगे कार्बन स्केलेटल, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एन है तो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग उसके बाद कर लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो सेकेंड पोजीशन पे एक हम लोग डबल वन लगा देंगे। अब देखो इसके बाद 2 पे ब्रोमो है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, Br लगा देंगे, यहाँ पे Br लगा देंगे। और 4 पे क्या है, मिथाइल है तो यहाँ पे एक C लिख देंगे। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, जैसे नीचे देखो दिया हुआ है, नीचे देखो ये दिया हुआ है पूरा नाम, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या कर रहा है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे रहा है, समझ गए। ये हो गया पूरा नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसके बाद एक नॉमेनक्लेचर हम लोगों का और होगा, नॉमेनक्लेचर का लेक्चर, जिसमें हम लोग बुक से हटके थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे थोड़ा और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, ओके ठीक है। इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं।